सोलन में उपायुक्त विनोद कुमार की अध्यक्षता में सब्जी मंडी कमेटी के सदस्यों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें काफी जद्दोजहद के बाद अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पूरी की गई और सर्वसम्मति से संजीव कश्यप को सोलन सब्जी मंडी का नया अध्यक्ष चुना गया। देश की आधुनिक मंडियों में शुमार सोलन की सब्जी मंडी में आखिरकार लंबे अरसे बाद अध्यक्ष कुर्सी पर काबिज हो ही गया। सोलन सब्जी मंडी में सर्वसहमति से संजीव कश्यप को सब्जी मंडी का अध्यक्ष चुना गया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल भी संजीव कश्यप को बधाई देने के लिए पहुंचे। सूत्रों की माने तो अध्यक्ष पद के लिए इससे पूर्व खूब माथापच्ची हुई थी, लेकिन राजीव सैजल के करीबी संजीव कश्यप को अंतिम क्षणों में सर्वसहमति से सब्जी मंडी का अध्यक्ष चुना गया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने बताया कि लंबे अरसे बाद सोलन की सब्जी मंडी में उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसहमति से संजीव कश्यप को सब्जी मंडी का अध्यक्ष चुना गया। इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को अपनाने के बाद ही अध्यक्ष का चयन होता है और सबको विश्वास में लेकर के, ये बात ठीक है समय लगा, लेकिन सबको विश्वास में लेकर के सबकी सहमति से आज ये प्रक्रिया जो है वो अंजाम तक पहुंची है। और संजीव कश्यप जी, जिनका बड़ा व्यापक अनुभव है मंडी समिति को लेकर के, हमारी जो मंडी है वो गति पकड़ेगी और किसानों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, वो सुविधाओं की बात है, चाहे वो कोई नए प्रयोग की बात है, उन सब विषयों को लेकर के जो है अब काम जो है वो ठीक प्रकार से होगा, ऐसा मैं निश्चित तौर से और दावे से कह सकता हूँ। वहीं नव नियुक्त अध्यक्ष संजीव कश्यप ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि इस पद पर काबिज होकर उन्हें काफी खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में मंडी का जीर्णोद्धार करना है। उन्होंने बताया कि किसानों, आढ़तियों, ट्रांसपोर्टर्स की समस्याओं को जानकर सरकार के सहयोग से वे उन समस्याओं का समाधान करेंगे। नई कमेटी का गठन हुआ है, नई सरकार में नई कमेटी का गठन हुआ है और आज हमने अपना कार्यभार संभाला है और आने वाले दिनों में हम विस्तार से मीटिंग करेंगे और पूरे जिले की जितनी भी यहाँ मंडियाँ हैं उनकी जो भी समस्या होगी, चाहे किसानों से संबंधित हो चाहे हमारे ट्रेडर्स से संबंधित होगी, उनका जो है विधिवत रूप से और जल्द से जल्द उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। अभी मैं पहली बार जो है मतलब एज ए पार्टी ने, संगठन ने हमें जो वहाँ भेजा है, तो उसके बारे में जो भी होगा, वहाँ कमियाँ होंगी, उनको आने वाले भविष्य में हम जल्द से जल्द दूर करने का, सरकार के सहयोग से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।